दिस इज योर होस्ट मिस्टर पंगाला, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वही थोड़ा सा गला खराब है, आवाज से लग ही रहा होगा आपको पता। ब्लू भी जा रहा है हमारे साथ, चले बब्लू ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ब्रो। ये तो एक्साइटेड आदमी है, पूरा कमांडो बना दिया थोर। चले थोरू, नहीं ऊपर नहीं, जम नहीं, सेट। सारी बात मानना है, चलो भाई जल्दी से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई इसको जल्दबाजी इतनी हो रही है, कहाँ जाएगा बबलू? खोलियो गेट इसके लिए। चल बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, जम 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 जा थोरू, चल चल ले बैठ जा बस। देखना थोर कैसे बैठे मानो के बाद, मस्त आदमी है। इसको पैम्पर कराना पसंद है, पैम्पर ही बोलते हैं ना। ये हर बार कहता है भाई मेरे को इम्पोर्टेंस चाहिए, मेरे को ही चाहिए, बस इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ तो मुझे चाहिए। पर इसको ये नहीं पता हैला तेरे से छोटी है। हैला तो भाई कल हम आए तो उसको बेचारी को खुश होके दिखाना, तो मतलब खुश तो होती है वो, पर वो हमारे पास नहीं आ पाती, मतलब ऐसे दिखाती है जैसे थोर प्यार करता है। वो कल खुश होके तूने नोटिस किया कभी भी आप घर में थोर आएगा पीछे पीछे हैला भागती हुई आती है, भागती हुई दूर बैठ जाती है, पास नहीं आती, बस उसका यूं है भाई तुम उठाओ मुझे। सो दोस्तों कई दिनों से मम्मी मेरे को कह रही है कि थोर के बाल गिरने लग रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है उसका, तो इसका कोई सोल्यूशन निकाल बेटा। तो भाई मैंने कई सारे चीजें ट्राई करके देख ली बट उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बट एक लास्ट में हमने रामबाण इलाज करा और उससे रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ, पेटवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ, आपको पता ही है, वाइप्स होगी, बहुत सारी चीजें मैं यूज करता हूँ। तो मैं वापस आपके लिए प्रोडक्ट्स लेके आया हूं और उन्होंने पेटवेट ने अपनी वीडियो को भी स्पॉन्सर करा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके शैम्पू। सो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है शैम्पूज के, पेट के शैम्पूज के, बट कई हमारे भारतीय लोग अपने डॉग्स को अपने ह्यूमन शैम्पू से नहला देते, तो पहली बात तो भाई ये ध्यान रखो। अब बात करते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है कि यही यूज क्यों करें। सबसे पहले इधर तीन टाइप के शैम्पूज है और सारे शैम्पूज के अलग अलग काम है, तो भाई हम एक ही शैम्पू यूज ना करें क्योंकि एक शैम्पू से सारे अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, जैसे हेयर फॉल हो गया या फिर एंटी टिक शैम्पू हो गया कोट को शाइन वगैरह के लिए, तो ये अलग अलग शैम्पू हो गए हैं। दूसरा पॉइंट एक्सपेंसिव है ही नहीं, सिर्फ 250 रुपीज में आपको, मतलब 249 रुपीज में 200 ml का शैम्पू की बोतल मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छा है। कई लोग सिर्फ महंगे के चक्कर में ले आते हैं और ब्रांड और वो काम भी नहीं करती, तो इसलिए मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ और इसने रिजल्ट दिया है भाई, इन शैम्पूज ने रिजल्ट दिया है तभी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। और ये दोनों शैम्पू बहुत कैट और डॉग दोनों पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए है। सो फर्स्ट वन इज डी टेंगल एंड शाइन शैम्पू, ये शैम्पू बहुत बढ़िया है भाई और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा जिन डॉग जिनके कोट खराब हो जाते हैं, मतलब कि डर्टी हो जाते हैं, उनके लिए मॉइस्चराइजिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए आपके पेट्स के कोट की, तो ये वाला शैम्पू मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। इसके अंदर भाई तुलसी ऑयल यूज करा गया है और ये वेगन प्रोडक्ट है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है सारे। सो सेकंड शैम्पू है एंटी टिक एंड फ्लू शैम्पू, इस शैम्पू का मेन पर्पस है जितने भी अपने बग्स होते हैं, जैसे ये हो गया टिक्स होगी, फ्लू हो गया और मॉस्किटोज हो गए, और जितने भी ये बग्स होते हैं इनको एंटी रिपेलेंट होता है, ये रिपेल करता है अपने पेट्स की बॉडी से, तो ये बहुत बढ़िया। और इसके अंदर कंटेन क्या क्या है, इसके अंदर विटामिन ई है और जो टी जो का जो ट्री होता है उसका ऑयल भी है इसके अंदर, तो ये प्रॉपर तरीके से गार्ड करता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। जिस जिसको टिक्स का इन्फेक्शन है, टिक्स का इश्यू है, तो वो ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। सो थर्ड शैम्पू है एंटी एज शैम्पू, इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स है जैसे कि अपना लेमन ग्रास और टी ट्री ऑयल, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है जो इरिटेशन वगैरह हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको ये रिड्यूस करता है और ये कोट को नरिश करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है ये। सो ये ड्राई शैम्पू भी है इनका, ड्राई वॉश, ये बहुत अच्छा है भाई। और थोर को तो मैं यूज करता हूँ, ड्राई वॉश तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। सो दोस्तों मैं एक बार वापस रेकमेंड करूंगा आपको कि अपने जो शैम्पूज होते हैं ये आप यही यूज करो, मतलब कि आप ह्यूमन शैम्पू मत यूज करना, पेट्स वाले शैम्पू यूज करना। और ये ब्रांड इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपने देख लिया कि मैं कई दिनों से ये यूज कर रहा हूँ, कई दिनों से नहीं कई महीनों से, और इसका रिजल्ट मस्त है, एक नंबर है, तभी मैं आप लोगों
को ये रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस प्रोडक्ट को और जानना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, या फिर आपको भाई अगर खरीदना तो या आप फ्लिपकार्ट नाइका या फिर अपने अमेजोन से भी खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जरूर ट्राई करना। सो दोस्तों हम उस साइड से आ रहे थे और मैं रास्ते में मुझे दिखा यार छोटा सा पपी गिर मतलब मर गया बेचारा, और आप लोग मत देखना मैं दिखाऊंगा भी नहीं, बट मैं आप लोगों को एक चीज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक बार पहले मैं रख दूँ फिर आपको बताता हूँ कि वीडियो क्यों बनाई है। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनवाई कि मतलब कि पहली बात तो देख के चलाया करो गाड़ी, सबसे मेन बात, ये छोटे छोटे बच्चे इनका घर तो होता नहीं, ऐसे मार देते हैं, और दूसरी बात मार के चल चोट लगी मार, अगर चोट लगी तो देख लो, और अगर वो मर गया तो बेचारे को ऐसे तो कर दो कि उस साइड में हो जाए मिट्टी नसीब हो जाए उसको। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज थी नहीं जिससे मैं दबा देता, सो अभी हम शादी में से ही आ रहे हैं, सो और हम लेट हो रहे थे पर फिर भी मैं उधर से आ रहे थे, मैं बबलू को कहा मैं भाई साइड मोड़ लेता हूँ, मैं कर देता हूँ एक बार, सो भाई आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कर दिया करो, और मैं साइड में इसे डाला है, वहां पे नीचे था वहां पे ऊपर थोड़ा सा वो डाला है मैं ये हमने डंडिया सी कि वो थोड़ी उसको मिट्टी नसीब हो जाएगी, और भगवान बस शांति दे और ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान दे कि भाई ये छोटे बेजुबान जानवर है। चलो चलते हैं, अपना अपने वाला पीछे बैठा है थोरू, थोरी थोरी चलो चलो चलते हैं भाई। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरी आवाज से पता चल रहा है मैं बीमार हूँ, बट मैंने फिर भी ये वीडियो डाली क्योंकि दो दिन हो गए थे आप लोगों के पास कोई अपडेट नहीं आई थी, सो अभी क्या हुआ है इन दो दिनों में क्या था अपडेट दे देता हूँ। मेरे भाई की शादी थी तो मैं वहाँ बिजी था, तो उसी प्रोसेस में जब मैं आ रहा था और मैं बहुत लेट हो रहा था तब मुझे ये पप्पी दिखा दूसरी सड़क पे, और मैं कई बार सोचता हूँ कि यार क्या लाइफ है ये, कि मतलब मरने के बाद भी सिर्फ गाड़ियों के टायरों के नीचे आते हैं और उन टायरों में लग लग के ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ख़त्म तो हो गया शरीर उसके बाद भी उन टायरों पर लग लग के अलग अलग पार्ट में मर जाते हैं। तो भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक तो भाई देख के चलाओ गाड़ी ठीक है, और दूसरी बात मानता हूँ कि कई बार ये खुद ही आगे आ जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं इनमें दिमाग तो होता नहीं यार, सच कह रहा हूँ इनमें दिमाग नहीं होता है, ये इनकी खेलने की उम्र होती है और ये जब रोड साइड पे ही पैदा होंगे तो वो इनका प्ले ग्राउंड होगा, तो उसी हिसाब से फिर ये एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि भाई सिर्फ ड्राइवर्स की गलती है, हाँ मुझे पता है कि कई बार आ जाते हैं अंधेरे में टाइम, कई बार ऐसा होता है कि लाइट्स होती नहीं है और एकदम से आगे आ जाते हैं, बट उसमें आपकी इंसानियत तो होगी ना, मार के आप चले जाओ एक बार उतर के देख लो यार क्या पता जान बच रही है उसमें, और अगर नहीं बच रही तो उसे उठा के साइड में डाल दो जहां मिट्टी है कि वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, ऐसे तो ना पड़ा रहे हर गाड़ी के टायर पे लगे, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ठीक है, तो प्लीज उसे साइड में मिट्टी में दबा दो, इतने तो वो भी डिजर्व करते हैं, तो आगे से देख के चलाना भाई। और हाँ मुझे बताओ दोस्तों कि आप लोग व्लॉग देखना चाहोगे मेरे भाई की मैरिज का, मैंने पूरा एक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक व्लॉग बनाया हुआ है, सो मैं वो बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके डाल दूंगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत तगड़ी मस्तियां करी हुई है हमने, बहुत अच्छी अच्छी मस्ती हुई हुई है, मानू भी है वहां पे, बबलू है, मैं, मम्मी पापा सब है, बहुत अच्छे वाला व्लॉग बना हुआ है, सो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ठीक है भाई। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, ओके बाय।